अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं SZP न्यूज़ और मैं हूं अनीला कंवल। देखते हैं सोहबतपुर से अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट। सोहबतपुर गर्ल्स कॉलेज में दो रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया गया, जिस मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और बच्चियों ने भरपूर शिरकत की और किताबों के स्टॉल्स का दिलचस्पी से मुआयना किया और किताबें खरीदी। इस मौके पर महफिल मुशायरा अब्दुल सलाम खोसा की सदारत में हुआ, जिसके मेहमान खास सोहबतपुर के साहिब किताब शायर मोहम्मद रफीक तालिब थे। इस मौके पर नामवर शोरा कराम ने अपना कलाम पढ़ा। सियासी समाजी कबायली शख्सियत रफीक खोसा ने शोरा कराम और शुरका से खिताब करते हुए कहा कि किताब तन्हाई का बेहतरीन साथी है, तारीख का मुताला किया जाए तो किताबों के बगैर मुमकिन नहीं। इस मौके पर मेज़बान कुतुब मेला अब्दुल सलाम खोसा, मोहम्मद नवाज खोसा और दीगर को सियासी समाजी इल्म दोस्त शख्सियात ने मुबारकबाद देते हुए अपने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहें SZP न्यूज़। फॉलो करें SZP न्यूज़ को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर।